हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट नो सर। आलिया? कोई डाउट? हमने वहां तक कर लिया था लीनियर एक्सपेंशन, फिर उसके बाद एरियल एक्सपेंशन बीटा डिफाइन कर दिया था, एंड दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया था। अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस पर बेस एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है। इस शीट में कोई एक छोटा सा पोर्शन कटआउट कर लिया गया, ना कुछ इस तरह, मतलब इसी कटआउट पोर्शन को बाहर ऐसे कर लिया गया एंड दोनों को हीट की गई। ठीक, तो होल एंड जो उसका कटआउट पोर्शन है हीट करने पे क्या सेम तरह से एक्सपैंड करेगा, या दोनों के हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज डिफरेंट होगा। क्वेश्चन ये कि साइज ऑफ होल एंड साइज ऑफ कटआउट सेगमेंट का एक्सपेंशन या कंप्रेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा। यह ऐसा हो सकता है कि हीट करने के बेस पे होल का साइज डिक्रीज करे और इसका साइज इंक्रीज करे, या दोनों सेम रेट से इंक्रीज डिक्रीज करेगा। अदिति, क्वेश्चन समझ आया? हाउ विल साइज ऑफ होल एंड इट्स कटआउट पोर्शन विल चेंज ऑन राइजिंग टेम्परेचर। आलिया, क्या आंसर होना चाहिए? अदिति, ओके, अब बोलेगा इनिशियली अगर ये कुछ ऐसा सेगमेंट था, हीट करने की वजह से एक्सपेंशन होगा ऑन ऑल इट्स डायरेक्शन, सो एक्सपैंड करने के बिहाफ पे ये चेंज करके कुछ यहां तक चलाएगा कुछ ऐसे, तो उसके कटआउट पोर्शन का अगर मैं चेंज देखूं जो अभी प्रेजेंट है उस पे, तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। पहले कुछ ऐसा था, अगर कटआउट पोर्शन होता तो फर्दर अगर राइज करे, अगर इस शीट के हिसाब से, तो कुछ ऐसा होगा। तो कटआउट पोर्शन कीजिए या उसके एक्चुअल शेप कीजिए, उन दोनों कंडीशन में उसका एक्सपेंशन सेम ही तरह से चेंज करता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट जब मैं कटआउट कर लिया तब या अभी उसके साथ रहता तब, उन दोनों ही कंडीशन में सेम रहता, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करने में कभी भी वो इनसाइड नहीं जाएगा, वो सेम रेट से आउटसाइड ही जाएगा। इसलिए बोथ होल एंड इट्स कटआउट पोर्शन विल इंक्रीज और एक्सपैंड सिमिलरली। आलिया, समझ आया? बोथ
will change in same manner. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Next is volumetric. ये उसी चीज को बोलते हैं क्यूबिकल. सपोज कर लीजिए कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी है, उसके लिए मेरे पास कोई भी क्यूबॉइड ले लीजिए. जैसे आप हीट अप कीजिएगा तो हीट करने के बिहाफ पे उसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों में चेंजेस होंगे. तो उसका लेंथ चेंज करके स्लाइटली कुछ इतना हो सकता है, ब्रेथ में चेंज होने की वजह से वो कुछ इतना हो सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली हाइट में चेंज होने की वजह से कुछ ऐसे चेंज कर सकता है. तो उसके लेंथ में भी चेंज आया, ब्रेथ में भी चेंज आया, हाइट में भी. लेंथ इनिशियली एल नॉट, ब्रेथ बी नॉट, एंड हाइट एच नॉट. एक्सपेंशन करने के बेस पे लेंथ एल हो गया, ब्रेथ बी, एंड हाइट एच. मतलब तीनों डायमेंशन में उसके चेंज आएगा. तब इसके लिए हम एक टर्म कैलकुलेट करते हैं गामा, which is equals to fractional change in its volume to the change in its temperature. तब इस रेशियो को हम गामा या उसको volumetric expansion बोलते हैं, या temperature coefficient of volumetric expansion. इसको यूनिट सेम कैलकुलेट की जाए, डेल्टा वी बाई वी कैंसिल आउट, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, सो इसकी यूनिट केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स ऐसे बोल सकते हैं. इसको डिफाइन करने के लिए आप बोलेगा सेम चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. सो इट इज बेसिकली the ratio of fractional change in volume to the change in temperature इसके इक्वल होता है. अब यहां से कुछ टर्म आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है. पहला, अगर मुझे बीटा कैलकुलेट करना हो, बीटा मीन्स बल्क मॉडुलस, तो हमें लास्ट लास्ट चैप्टर में मैकेनिकल प्रोड्यूस ऑफ सॉलिड वहां पे डिफाइन किया था बीटा इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी विद नेगेटिव साइन, ऐसा कुछ था. सो यहां से अगर मैं डेल्टा वी बाय वी कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा किसके इक्वल, प्रेशर बाय बीटा. इस टर्म को अगर इस अबव इक्वेशन पुट कर दीजिए तो आपका एक रिलेशन आएगा. द फर्स्ट रिलेशन ये, यहां तक कोई डाउट? नो सर. एक दूसरा टर्म आपने शायद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया? केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा?
ओके, तो इसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या एक प्रोसेस पढ़ा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, कुछ याद है? फॉर आइसोथर्मल मींस प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, या टेम्परेचर कांस्टेंट, उस कंडीशन में प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, या मैं एरर मेथड ले सकता हूँ उसके बेस पे। यहां से कैलकुलेट करिए इस पर्टिकुलर डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू को एंड इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक। तब इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछ सकता है, सो डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी बाई वी। यहां तक कोई डाउट? पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ रिलेशन क्या पूछेगा आपसे। आलिया लिखिए आपने, अब देखिए इन सारी टर्म को पुट करूं तो क्या रिलेशन आता है। मेरे पास बीटा इन जनरल सिंपली होता है मेरे पास माइनस ऑफ जो प्रेशर हम लेते हैं एक्चुअली में चेंज इन प्रेशर होता है बाय डेल्टा वी बाय वी। सो इस टर्म को ऊपर पुट करूं तो माइनस ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा वी और मल्टीप्लाइड बाय वी, इसकी वैल्यू वो टर्म पुट कीजिएगा तो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा? पी के आ जाएगा। मतलब बीटा इस आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर के इक्वल होता है या चेंज इन प्रेशर उसके इक्वल हो सकता है। तब इस टर्म को अगर मैं उस गामा के लिए कैलकुलेट करूं तो गामा इज इक्वल टू था मेरे पास डेल्टा वी बाई वी टाइम्स डेल्टा टी, ये पूरा टर्म बीटा बाई प्रेशर के इक्वल था एंड बीटा एंड प्रेशर अगर आपस में इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा? वन बाई डेल्टा टी के इक्वल। तो याद रखिएगा कि आइसोथर्मल कंडीशन में गामा सिंपली वन अपॉन डेल्टा टी के क्या होता है? इक्वल होता है। आई बस समझ देखिए बीटा बल्क मॉडुलस सिंपली इसके इक्वल होता है या इसको डेल्टा पी बाई डेल्टा बी ऐसे लिख सकते हैं, तो आप रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को मैंने कैलकुलेट किया यहां से डेल्टा वी बाई वी, तो इसकी वैल्यू ये टर्म पुट कर दूं, तब उस कंडीशन में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं इस पर्टिकुलर टर्म में तो डेल्टा पी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? पी के इक्वल। तब इस कंडीशन में बीटा इक्वल्स टू पी आ गया, ठीक। अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा तो गामा इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी विच इज इक्वल्स टू पी बाई बीटा टाइम्स वन ओवर डेल्टा टी, और चूंकि ये दोनों बराबर होता है किस कंडीशन में? आइसोथर्मल कंडीशन में, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली वैल्यू कितनी आ जाती है? वन अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ
वॉल्यूमेट्रिक और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, याद रखिएगा 1/Δt के इक्वल होता है। आलिया समझ आया? ओके, लिख लिया। इस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का यूज बेसिकली डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एंड कुछ फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। पहला एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन बोला गया कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ग्लास ट्यूब है इस तरह से, इस तरह से इसमें एक लिक्विड फिल्ड इनिशियली वो कुछ लेवल तक, तो ये मेरे पास कोई लिक्विड है जिसकी आपने कुछ डेंसिटी होगी, कुछ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा। ये मेरे पास ग्लास ट्यूब जिसका अपना भी कुछ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा। तो अभी मैं मानू कि दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम सेम है, ठीक। तो फाइनल वॉल्यूम किसी भी इंस्टेंट पे V एट एनी टेम्परेचर T, उस लिक्विड के लिए बोलूं तो हो जाएगा V इनिशियल 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। दूसरा, volume of glass equals to initial volume 1 plus gamma of glass into delta t, ये second equation होगा। अब अगर मैं इन दोनों का difference calculate करूं कि liquid अगर overflow करने कर जाए तो दोनों का difference that is volume of liquid minus volume of glass, तब v not common कर लीजिए, 1 minus 1 zero हो जाएगा, तब इसकी value हो जाएगी this minus this into change in temperature delta t, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। अब अगर आपसे पूछे इसमें कि कितना अमाउंट ओवरफ्लो करेगा तो जाएगा डेल्टा v, इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो ना करे तो ये चेंज को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, वहां से इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन का मतलब, अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन दोनों टर्म का इक्वल हो तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं कर सकता, या फिर उसके इनिशियल वॉल्यूम में कुछ रिलेशन हो इनिशियली, तब उस कंडीशन में हो सकता है। तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन के बेस पे आपको अलग अलग टर्म क्या हो सकता है पूछा जा सकता है। तो पहले मैं चीज डेल्टा वी कैलकुलेट किया, अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो कितने टेम्परेचर बढ़ाने पे, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। आलिया लिख लिया आपने? एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन अ वेसल उसके अंदर लिक्विड फिल करके उसको हीट अप करूं तब देह कैसे चेंज करेगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई वेसल है कुछ इस तरह से,
इसके अंदर लिक्विड फील्ड है किसी पर्टिकुलर लेवल तक, सपोज कर लीजिए यहां तक, अगर मैं इसको हीट करना शुरू करूं, ठीक, यहां कोई बर्नर लगा दीजिए एंड इसको हीट करना शुरू कीजिए, तो क्वेश्चन पूछेगा हाउ विल लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल विल चेंज ऑन हीटिंग। आलिया, जैसे मैं हीट करूं, अगर मान लीजिए कि इसमें कोई इवापोरेशन नहीं हो रहा, तो लेवल ऑफ लिक्विड में क्या फर्क होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम? जैसे इस इनिशियल पॉइंट, सपोज कर लीजिए ए पॉइंट से, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आलिया आप बताइए। जैसे मैं हीट करूं तो लेवल ऑफ लिक्विड में क्या फर्क आएगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा? मैंने कहा यहां पे कोई इवापोरेशन नहीं हो रहा, इवापोरेशन से पहले की कंडीशन, मैंने इनिशियली इसको हीट करना शुरू किया। अच्छा, मे बी इंक्रीज। अदिति, नो चेंज? देखिए, पहले आप क्या सोचिएगा, इसमें क्या हो रहा है, पहले सोचिए कि हीट किसको मिलेगी, पहले वेसल को या उस लिक्विड को? तो आप बोलिएगा वेसल को। हर चीज ऑन हीटिंग एक्सपैंड करती है, तो पहले हीट किसको मिली? वेसल को। तो एक्सपैंड पहले कौन करेगा? वेसल। जैसे ही वेसल अपने ओरिजिनल शेप से स्लाइटली एक्सपैंड करेगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए लेवल ऑफ लिक्विड पहले फॉल डाउन करेगी। आई बस समझ? बट ये बहुत स्मॉल स्केल पे होता है, जो दिखाई नहीं देता, ठीक है? तो बोलेगा वेसल के अंदर जो लिक्विड है उसके लेवल फर्स्ट डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ऑन हीटिंग जो वेसल है वो पहले एक्सपैंड करेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड के, इसीलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा। लेवल डिक्रीज करके किसी इस पॉइंट तक आ गया, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट को बी बोल दीजिए, तो ए से बी तक ये जो शिफ्ट इन लेवल ऑफ लिक्विड हुआ वो किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सपेंशन इन वेसल। एंड देन उसके अपने लेवल में राइज होना शुरू होगा, किसे? इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक जो एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होगा किसी पॉइंट सी तक। तब यहां डिफाइन करते हैं ऑन टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वेसल विल इंक्रीज फर्स्ट, सो level of liquid decreases and then increases due to its own expansion. अब देखिए, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? पहले मूवमेंट कहां से कहां तक? ए से बी तक। फिर मूवमेंट कहां से कहां तक? बी से सी तक। तो आपको एक्चुअली में दिखाई कहां से कहां देगा? सिर्फ ए से सी तक। तब बोलते हैं बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। सो बी सी इज रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ए सी इज अपेरेंटली जहां में दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन या ए बी expansion of vessel।
तो हर कंडीशन में जो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है किसी भी वेसल के अंदर हमेशा कांस्टेंट होगा. चेंज क्या करता होगा, एक्सपेंशन ऑफ वेसल वो उस वेसल के मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन उस पर डिपेंड करता है, एंड उसके बिहाफ पे ये अपेरेंट एक्सपेंशन क्या करता है, चेंज करता है. तो याद रखिएगा किसी भी वेसल के अंदर जो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है वो हर कंडीशन में सेम होगा. तो आप बोलिएगा रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विल बी सेम इन ऑल डिफरेंट वेसल. आपको बोलेगा किसी दो वेसल के लिए कंपेयर कीजिए. सपोज कर लीजिए किसी वेसल ए में कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है, किसी वेसल बी में कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है, तो बताइए दोनों वेसल के लीनियर एक्सपेंशन के बीच में क्या रिलेशन होगा. तो हमेशा रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को इक्वेट करते हैं किसी भी दो अलग अलग वेसल के लिए, एंड देन वहां से अननोन टर्म की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. यहां तक कोई डाउट? नो सर. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. आलिया यहां तक कोई डाउट? ओके, अब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का हम चेंज देखने की कोशिश करते हैं डेंसिटी के रेस्पेक्ट में. तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए, एट लो टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर पे डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, किसी भी टेम्परेचर टी नॉट पे ले लिया मैंने. जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, मास ऑफ सब्सटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप याद रखिएगा ऑन चेंजिंग टेम्परेचर मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम. ठीक, तो यहां के बेस पे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो उसके बेस पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. सो वॉल्यूम इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट वन प्लस गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी. इस वैल्यू को इस इक्वेशन पुट कर दीजिए. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू ये पुट कर दीजिए. सो एम डिवाइड बाय वी नॉट वन प्लस गामा टाइम्स डेल्टा टी. ये पूरा जो टर्म है इसको बोल सकता हूं रो नॉट, तब रिलेशन आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू रो नॉट डिवाइड बाय वन प्लस गामा टाइम्स डेल्टा टी. क्या इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाए तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, तब लिख सकते हैं वन प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर माइनस वन, एंड यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका पावर इसके कोएफिशिएंट में. सो रो इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट वन माइनस गामा डेल्टा टी, कुछ ऐसा रिलेशन आता है. मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाइएगा तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है. आई बस समझ? यस सर. टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, सो डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है. आलिया समझ आया ये?
अदिति लिखिए आपने, अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको बोलेगा कोई कंटेनर ले लीजिए इस तरह, उसके अंदर कोई लिक्विड फिल कर दीजिए, या नहीं तो क्वेश्चन ये बोल सकता है कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए जो इनिशियली उस पर्टिकुलर लिक्विड के ऊपर क्या करता हो, फ्लोट करता हो। सपोज कर लीजिए पहले कोई लिक्विड यहां पे इस लेवल तक है एक, जिसकी अपनी कुछ डेंसिटी होगी, कोई अनदर लिक्विड है इस लेवल पे जिसकी अपनी कुछ डेंसिटी होगी, दोनों के बीच में सेपरेशन इसलिए होगा क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करता होगा, उसका लेवल ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक किया होगा, उसका लेवल नीचे होगा। या फिर ऐसा बोल सकता है कि किसी लिक्विड के अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया, ठीक, इमर्ज किया तो वो कुछ पार्शियली इमर्ज होगा किसी इस लेवल तक, कुछ ऐसे। तो आपसे पूछेगा कि किस टेम्परेचर पे ये ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, या इस क्वेश्चन में हो सकता है कि फाइन टेम्परेचर एट विच दीज टू डिफरेंट लिक्विड विल मिसिसिबल टू ईच अदर, मतलब आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स होने का मतलब उन दोनों की डेंसिटी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर सिंक कर देने का मतलब ऑब्जेक्ट डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। तो इन दोनों ही कंडीशन में डेंसिटी को चेंज करना है विद चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे फॉर मिक्सिंग, तो मूल दीजिए मेरे पास टेम्परेचर फर्स्ट लिक्विड के लिए एंड सेकेंड लिक्विड के लिए डेंसिटी कैसे चेंज कर रही है। फर्स्ट लिक्विड को मान लीजिए सिग्मा, सेकेंड को मान लीजिए रो, तो सिग्मा के लिए लिखेगा सिग्मा नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस गामा ऑफ फर्स्ट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड लिक्विड के लिए डिफाइन करूं रो नॉट बाय 1 प्लस गामा ऑफ रो इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। मैंने पिछले वाले फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया दोनों के फाइनल डेंसिटी को, फिर यहां से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको बाकी सारी चीजें गिवन होगी। तो ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे दोनों लिक्विड आपस में क्या हो जाए, मिसिसिबल हो सकता है। सेम इस तरह अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को आप सिग्मा मान लीजिए एंड इसकी डेंसिटी को रो मान लीजिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइन टेम्परेचर एट विच ऑब्जेक्ट विल सिंक। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की फाइनल डेंसिटी उस पर्टिकुलर मीडियम की डेंसिटी से ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिग्मा एट एनी टेम्परेचर टी इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 प्लस गामा ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 प्लस गामा इनटू डेल्टा टी। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज गिवन होगी, की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। आलिया कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आगे लिख लिया आपने? यहाँ तक अलग अलग एक्सप्रेशन आपको वॉल्यूम एंड डेंसिटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। आप मान लीजिए लेंथ इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली ब्रेथ इज इक्वल्स टू बी नॉट वन प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड हाइट इक्वल्स टू एच नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये हो जाएगा मेरे पास एल नॉट बी नॉट एच नॉट। एंड चूंकि टर्म तीन बार है तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस अल्फा डेल्टा टी टू द पावर थ्री। इस पूरे टर्म को हम बोल सकते हैं फाइनल वॉल्यूम, इस पूरे टर्म को हम बोल सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम एंड ये मेरे पास वन प्लस थ्री टाइम्स अल्फा डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं। बट हमारे पास रिलेशन था वॉल्यूम के लिए v इक्वल्स टू v नॉट वन प्लस गामा टाइम्स डेल्टा टी। सो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो हम लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा या अल्फा इक्वल्स टू गामा बाय थ्री। यहां तक कोई डाउट? नो सर। एंड हमने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय टू। तो अगर मैं सारे टर्म को रिलेट करूं तो आप ये बोलिएगा अल्फा वन डायमेंशनल होता है तो अल्फा बाय वन, बीटा टू डायमेंशनल होता है सो बीटा बाय टू एंड गामा थ्री डायमेंशनल होता है सो गामा बाय थ्री। ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। या आप इन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए एंड सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिक्स टाइम्स अल्फा थ्री टाइम्स बीटा एंड टू टाइम्स गामा आपस में इक्वल आएगा। तो आपसे ये दोनों में से कोई एक रिलेशन पूछ सकता है। आलिया कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। सो इतनी सारी चीजें आपको एक्सपेंशन से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट था थर्मोमेट्री एंड एक्सपेंशन, इस चैप्टर में वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम आता है आपका कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब किसी भी दो सिस्टम या तीन सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज होना, जिसके बेस पे एक बॉडी टेम्परेचर लूज करती है या हीट लूज करती है, दूसरी बॉडी उस हीट को गेन करती है, इसके बेस पे उसका टेम्परेचर चेंज करता है। तो कैलोरीमेट्री मेनली डिफाइन करता है स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बॉडीज और सिस्टम। तब इसके लिए हम एक प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ
calorimetry ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कहता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर हीट लूज करती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट हीट गेन करता है, दोनों आपस में इक्वल होगा अगर सराउंडिंग में कोई एनर्जी का लॉस ना होता। तो आप बोलेगा हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय अनदर। अब ये हीट लॉस या गेन किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी तरह के चेंजेस क्रिएट कर सकता है उसके बेस पे हम कैलोरीमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें एक टर्म हम पढ़ते हैं कैलोरीमीटर, अब बोलिएगा एक कंटेनर या कोई फ्लास्क जिसके इनसाइड हम किसी लिक्विड या किसी दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्सअप करते हैं एंड देन उसके बेस पे मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं हीट एक्सचेंज कितना हुआ, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ। तब उस कंटेनर, उस फ्लास्क या थर्मो फ्लास्क को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं। थर्मो फ्लास्क और कंटेनर इन विच हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। आलिए यहां तक कोई डाउट? अदिति समझ आया यहां तक? यस सर। क्या दीदी? ओके, अब देखिए इसके बेस पे हीट एक्सचेंज कैसे कैसे हो सकता है। कोई भी हीट बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक वो हीट कॉजेस टू चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा वो हीट which causes to change in state. The first causes to change in temperature. इसके बेस पे तीन चीजें डिफाइन करते हैं। पहला होता है मेरे पास हीट कैपेसिटी, दूसरा होता है मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और तीसरा होता है मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी। उसी तरह चेंज इन स्टेट में दो चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा latent heat of vaporization। अभी सारे टर्म क्या क्या होते हैं मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट हीट कैपेसिटी, कोई भी सब्सटेंस लीजिए ठीक जिसमें उसका अमाउंट मेंशन ना हो, तो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट is required to change temperature of a substance. Simply इसमें substance बोलेगा, substance का amount define नहीं है. To change its temperature by unity, either 1 degree Celsius, either 1 Kelvin, उसमें change कराने के लिए कितना amount of heat required है, उसको हम बोलते हैं heat capacity. The heat capacity simply
the amount of heat is required to change the temperature of a substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. एंड इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हैं, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज करेंगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी चेंज करती है. सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तब इसको डिफाइन करते हैं, क्यू इक्वल्स टू एस टाइम्स डेल्टा टी. तो यहां पे एस को बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी, जिसकी यूनिट क्यू बाय डेल्टा टी, क्योंकि क्यू हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट जूल पर केल्विन बोल सकते हैं या जूल पर डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं. यहां तक कोई डाउट? नो सर. आगे समझ आया? ओके, इसको नोट डाउन कीजिए. Second term is specific heat constant. इसमें word आ गया specific का. Specific के लिए एक fixed amount लेते हैं, and वो fixed amount अगर unity के लिए define करते हैं तो हम 1 kg लेते हैं उसके लिए. तभी कहता है the amount of heat is required to change the temperature of 1 kg substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius at atmospheric pressure. तब उस कंडीशन को या उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को हम स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट बोलते हैं. तब इसके लिए कैसे डिफाइन करते हैं? Q equals to mass specific heat constant into change in temperature. तब इस स्मॉल S को स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट बोलते हैं. तो इसको अगर रीअरेंज कीजिएगा सो यू विल गेट S इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय M इनटू डेल्टा T. इसलिए Q कितना चाहिए, क्योंकि मास को मैंने 1 kg कर दिया एंड डेल्टा T को मैंने 1 कर दिया, तो S डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? Q के इक्वल. इसीलिए मैंने कहा अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि बाकी सारी चीजें 1-1 है. समझ आई बात? यस सर. अब इसकी यूनिट डिफाइन कीजिएगा. हीट उसकी यूनिट जूल, मास उसकी यूनिट केजी, टेम्परेचर उसकी यूनिट केल्विन. सो जूल पर केजी पर केल्विन. आगे समझ आया? Similarly, third part, molar
specific heat constant. इसमें एक वर्ड आ गया मोलर एंड देन फिर स्पेसिफिक भी है. मोलर स्पेसिफिक में लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में. बेसिकली गैसेस के लिए डिफाइंड होता है. तो इस पर्टिकुलर टर्म को डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेगा या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सीपी एंड सीवी, दो तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट पढ़ा है. तो ये दोनों एक्चुअली में यही दोनों टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट. तब इसमें डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ वन मोल सब्सटेंस, यहां पे गैस लेते हैं, बाय वन केल्विन और वन डिग्री सेल्सियस एट गिवन कंडीशन. आपने केमिस्ट्री में सिर्फ दो तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ी होगी, एक सीपी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा पढ़ा होगा सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. बट आपको प्रोसेसेस चार पढ़ने हैं, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, चार चीजें हैं. तो इसीलिए मोलर स्पेसिफिक हीट भी चार तरह की होगी, वहां पे मैं आपको डिफाइन करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में. इस चैप्टर में आपको इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना. तब यहाँ डिफाइन करते हैं क्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स into specific constant into change in temperature. So C को बोलते हैं हम लोग molar specific heat constant. तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन. अदिति कोई डाउट? आलिया को समझ नहीं आया? गुड, इसको लिख लीजिए. अब आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछूं तो आप इन तीनों को इक्वेट कर दीजिए क्यू की वैल्यू को. सो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यू विल गेट एस इक्वल्स टू एम इंटू एस इक्वल्स टू एन इंटू सी. तो तीनों के बीच में रिलेशन होता है. कैपिटल एस इज हीट कॉन्स्टेंट, स्मॉल एस इज स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट एंड सी इज मोलर स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट, जहां पे n नंबर ऑफ मोल्स है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. आप ये भी पुट कर सकते हैं. तब इसके बेस पे आपस में रिलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था नीट में लास्ट ईयर, उसने दे दिया था स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड उसका मास गिवन था. तो उसने क्वेश्चन पूछा हीट कैपेसिटी कितनी होगी. तो आपको सिंपल क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना था. आई बस समझ? तो इन तीनों के बीच में रिलेशन जरूर याद रखिएगा.
लिख लिया आपने? अब हमें कुछ वैल्यूज याद रखनी होती है अलग अलग सब्सटेंस के लिए। वैल्यूज के पहले नेक्स्ट टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट अपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी होगी। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, तब इन्हें डिफाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इंटू लिक्विड या अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 1 kg लिक्विड इंटू सॉलिड, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तब उस पर्टिकुलर हीट रिक्वायर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको बोलते हैं हम लोग द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इंटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर। या इसका उल्टा ये भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, ये भी बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ लिक्विड और 1 kg लिक्विड इंटू सॉलिड। तब हम यहां डिफाइन करते हैं क्यू इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इंटू लेटेंट ऑफ फ्यूजन, तब इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कॉन्स्टेंट। अगले जस्ट एक मिनट में देख नहीं पाया था आपका क्वेश्चन। देखिए यहां पे n नंबर ऑफ मोल्स को बोलते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स के 3 अलग अलग फॉर्मूले पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगैड्रो नंबर, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, तो ये वही है, एम इज मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम एंड कैपिटल एम इज मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ये बोल सकते हैं। एंड एक तीसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने given volume in liter divided by 22.4 at STP। अगले समझ आया? ओके, तो ये फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, दोनों का मतलब सेम होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट ऑफ फ्यूजन कॉन्स्टेंट। सिमिलरली अगर लिक्विड से वेपर जाऊं या वेपर से लिक्विड आऊं, तब उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तब इसको बोलिएगा द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg liquid
into vapor at its boiling point and atmospheric pressure. तब यहाँ denote करते हैं Q equals to mass times latent of vaporization. इसको बोलते हैं हम लोग latent heat of vaporization constant. आदि अदिति कुछ doubt यहाँ तक? No sir. आलिया सब कुछ समझ आया? या कुछ भी नहीं? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. तो ये टोटल पांच तरह की हीट एक्सचेंज हो सकती है. अब देखिए इनके बीच में कैसे चीजों को यूज करते हैं, रिलेट करते हैं. मैं आपको वो तरीका सिखाता हूँ. क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ. अब इनके बेस पे कुछ चीजें याद रखिएगा. स्पेसिफिक हीट फॉर आइस एंड स्पेसिफिक हीट फॉर वेपर, ये होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन. कैलोरी में याद रखिए, ज्यादा आसान होगा याद रखना. स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर वाटर, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और ये सबसे ज्यादा होता है. उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, इसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम. एंड लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वेपर, ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम. कन्वर्जन कैसे करेंगे नॉर्मल यूनिट में, तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ. 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल. सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4.2 जूल. यहाँ पे 1 ग्राम है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए. सो बेसिकली 1 कैलोरी पर ग्राम इज 4200 जूल पर केजी. सो 1 कैलोरी पर ग्राम 4200 जूल पर केजी इसके इक्वल होता है. यहां तक कोई डाउट? नो सर. तो ये सारी वैल्यूज हमने वाटर के रिस्पेक्ट में याद रख ली. ठीक, अब किसी भी दूसरे टर्म क्वेश्चन गिवन होगा तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए. मिली जो आपको क्वेश्चन होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, यही वैल्यूज के बेस पे होगा. तब यहां से एक टर्म डिफाइन करते हैं. क्वेश्चन आपको अगर टिपिकल पूछे तो एक टर्म बोलेगा वाटर इक्विवेलेंट. अदिति आपने नाम सुना है इसका, क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? नो. देखिए वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं हीट कैलकुलेट कर रहा हूं स्पेसिफिक हीट क्यू, एक बार मैं वाटर के लिए कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा मेरे पास मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर. एंड एक बार मैं किसी मेटल के लिए सॉल्व करूं या किसी भी अदर सब्सटेंस के लिए सॉल्व करूं तो मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर. अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा. So mass of water, specific capacity of water equals to mass of substance, specific capacity of substance equal हो जाएगा. तब यहां से mass of water calculate कीजिएगा.
mass of substance, specific capacity of substance, divide by specific capacity of water. तब इस particular mass of water equivalent to this part is called water equivalent. आई बस समझ? सर एक और बार रिपीट कर. एक मिनट. मैंने क्या किया, किसी दो सब्सटेंस को, वाटर को एंड किसी भी सब्सटेंस को, मेटल हो सकता है, कोई बॉडी हो सकता है, कुछ भी, उन दोनों के लिए हीट कैलकुलेट किया. अगर उन दोनों का हीट एंड टेम्परेचर चेंज इक्वल हो जाए तो ये पर्टिकुलर टर्म इस टर्म के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ से मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करूँ तो उसकी वैल्यू कुछ इतनी आएगी. अब इस मास ऑफ वाटर इक्वलेंट टू दिस अमाउंट is called water equivalent. तब इसका मतलब होता है कि water equivalent की value दे रखी हो तो उसमें specific capacity of water multiply कर दीजिए तो mass times specific capacity of substance इसके क्या होता है, equal हो जाता है. आई बस समझ? Yes sir. तो उसमें उन question में substance का mass भी देने की जरूरत नहीं पड़ती and substance की specific heat capacity भी नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती. Directly आपको क्या दे देगा, water equivalent दे देगा. जैसे अगर आपसे बोले इफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.4, तो 0.4 दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस. तो इन दोनों टर्म की वैल्यू देने से बच जाने के बेस पे हम वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू दे देते हैं. समझ आया? Yes, sir. So, जब कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो वाटर इक्विवेलेंट, उसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर दीजिए और मास टाइम्स स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस उसके इक्वल हो जाता है. सो वाटर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय the specific capacity of water equals to mass of substance, specific capacity of substance. Yes, sir. आलिया लिख लिया आपने? Okay. अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे करें. क्वेश्चन करने के लिए आप ग्राफिकली चीजों को एनालाइज कीजिएगा तो ज्यादा इजी होगा सॉल्व करना. सो ग्राफिकल एनालिसिस बताता हूं आपको. सपोज कर लीजिए आपके पास आइस की है -20°C पे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. सपोज कर लीजिए इस तरह यहां से यहां तक आया, -20°C से 0°C पे आया. अब अगर मैं फर्दर हीट दूं तो उसके टेम्परेचर में कोई राइज और फॉल नहीं होता, सिंपली स्टेट में चेंज आता है कुछ इतना. फर्दर टेम्परेचर राइज कीजिए तो कुछ इस तरह से इंक्रीज करता है. एंड 100°C तक पहुंच जाता है. फिर उसके बाद फर्दर अगर हीट दीजिए तो उसके स्टेट में चेंज होना शुरू यहां तक. एंड अगर फर्दर हीट दीजिए
तो कुछ यहां तक ऐसे जाएगा मूवमेंट। तो ये मेरे पास है टेम्परेचर एंड ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, उसके बीच का ग्राफ है। पहले देखिए इनिशियली ये कैसे इस पॉइंट पे था, आइस होगा, यहां से यहां तक ये आईसी है। सिंपली टेम्परेचर में चेंज आया तो इसको हम स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं। तब यहां से यहां तक जाने को स्पेसिफिक हीट मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट आइस के लिए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी यहां से यहां तक कैलकुलेट कर लिया। ड्यूरिंग चेंज फ्रॉम दिस आइस टू दिस पॉइंट वाटर में कन्वर्जन हुआ, यहां पे टेम्परेचर में कोई राइज फॉल नहीं हुआ बट स्टिल हीट सप्लाई कर रहा हूं किसे इस पॉइंट से किसे इस पॉइंट तक। तब ये हीट आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि वहां पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए अगर थर्मामीटर आप इंसर्ट करते हैं तो उसकी रीडिंग में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इसका नाम होता है हिडन। अब बोले ऐसा क्यों, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, इसलिए उसमें सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड अप हो जाती है। तो जब तक वो वाटर में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता वहां पे टेम्परेचर में कोई राइज और फॉल नहीं शो होता, इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट आइस से वाटर में, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूजन। आई बात समझ? Yes. फिर यहां से टेम्परेचर देना शुरू किया जैसे इस पॉइंट तक मूवमेंट किया, वहां पे भी स्टिल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से फर्दर अगर हीट दूं तो अब स्टेट चेंज करने लगता है, तो ये इस पॉइंट पे एंड ये कैसे इस पॉइंट पे। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट यहां पे भी कोई राइज और फॉल इन टेम्परेचर नहीं होता जब तक ये कन्वर्ट वेपर में ना कर जाए तब। उसके बाद जैसे कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया यहां से यहां तक अमाउंट ऑफ हीट, उसको बोलते हैं लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद फिर टेम्परेचर में चेंज होने लगता है, वेपर बन गया एंड सो ऑन। तो ये पूरा एंटायर टर्म वाटर को चेंज करने के स्टेट को डिफाइन करता है। यहां तक कोई डाउट? यस सर, नो सर, नो डाउट। अब यहां सवाल पूछता है, ठीक। पहला सवाल पूछता है इसके जो ग्राफ का स्लोप है इस पॉइंट पे थीटा वन, इस पॉइंट पे थीटा टू एंड इस पॉइंट पे थीटा थ्री, इन तीनों थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखिए कैसे कैलकुलेट करूंगा। तुम्हारे पास रिलेशन है क्यू इक्वल्स टू एम टाइम्स एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो आप इसको लिख लीजिए डी क्यू और इसको लिख लीजिए डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। Yes. अब यहां पे इस ग्राफ में देखिए वर्टिकल लाइन कौन सी है टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है हीट। तो टेम्परेचर को आप न्यूमरेटर में रखिए और हीट को डिनोमिनेटर में रखिए। सो वी कैन राइट 1 बाई एम इंटू एस इक्वल्स टू डी टी बाई डी क्यू, लिख सकता हूं। यस सर। आलिया यहां तक कोई डाउट? अब इस वैल्यू को देखिए एक्चुअली में क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसी चीज को ग्राफ के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, स्लोप। सो स्लोप ऑफ टी वर्सेस क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्पेसिफिक हीट, दिखाई दे रहा है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसके। अब हमने पीछे वैल्यूज लिखी थी कि वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, स्लोप वाटर कंडीशन में क्या होगा, सबसे कम होगा। अदिति बोल सकते हैं? यस सर। देखिए पीछे मैंने यहां पे वैल्यू लिखी है आइस के लिए और वेपर के लिए, दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी 0.5, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है 1। सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, वाटर की, बोल सकते हैं? यस सर। यहां पे देखिए स्लोप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो हो रहा है। यस।
तो जितना स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी कम होगी, या इसका उल्टा, जितना स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, उसका इंक्लिनेशन कम होगा, बोल सकते हैं? सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू आइस एंड वेपर के. तो स्पेसिफिक हीट बड़ी होगी तो उसका स्लोप छोटा होगा, मतलब थीटा टू सबसे कम एज कंपेयर टू थीटा वन एंड थीटा थ्री, याद रखिएगा. यस सर. कोई डाउट यहां तक? नो सर. आइए, समझ आया? ओके, लिख लिया आपने यहां तक? यस सर. ओके, सो एक काम कीजिए, यहां तक पढ़ के रखिएगा, जितनी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी उसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? मैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करना नेक्स्ट क्लास में सिखाता हूँ आपको, ठीक है? कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? यस सर. तो आज क्लास रिलेटेड कोई डाउट? नो सर, नो डाउट. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू.